रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 का दूसरा टॉपिक, जो कि हमारे पास एनर्जी और उसकी काइंड्स। एनर्जी की टोटल 7 काइंड्स हैं, तो हम उनको फर्दर देखते हैं कि किस का क्या काम है और ये किस तरह हमें मिलते हैं और किस तरह हमें इनका फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। किसी भी जो ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो, उसकी जो वर्क करने की सलाहियत है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इसकी फर्दर 7 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि 2 काइंड मजीद हैं, काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन और पोजीशन। ऐसी एनर्जी पोजेस होती है जो किस वजह से, मोशन और पोजीशन की वजह से, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास मूविंग कार। एक कार जो मूव कर रही है, चल रही है, तो वो किस चीज की एग्जांपल है, मैकेनिकल एनर्जी की, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये सब क्या है हमारे लिए, मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है हमारे पास, जैसा कि नाम से नजर आ रहा है, हीट, गर्म, हरारा जिसे हम कहते हैं, वो एनर्जी। ये कहां से हमें हासिल होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन बाय हॉट बॉडीज। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ऐसी किस्म जो हमें कहां से हासिल होती है, गर्म अजसाम से हासिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। तो ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, हीट कमिंग फ्रॉम सन। तो जो सूरज से हमारे पास गर्मी आ रही है, हीट आ रही है, वो क्या है हमारे लिए, हीट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सूरज। तो नेक्स्ट है हमारे पास साउंड एनर्जी। साउंड, इट इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। साउंड एनर्जी तब पैदा होता है जब क्या होता है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, थरथराहट होती है उसमें। तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास नॉकिंग ऑफ डोर। जब भी कोई दरवाजा खटखटाया जाता है तो क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन की वजह से हम क्या करते हैं, साउंड को सुन पाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी। इट इज प्रेजेंट इन फूड्स, फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंस। ये कहाँ पर मौजूद होती है, फूड्स में, फ्यूल्स में एंड अदर इस तरह के सब्सटेंसेज में। तो ये क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड्स, लकड़ियों का जलना, कोल और नेचुरल गैस का जलना, कोल का जलना। तो ये क्या है हमारे पास, केमिकल एनर्जी की अकसाम है। इन एयर प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ये क्या करते हैं, जब कोई गैस जलती है या कोई वुड, लकड़ियां जलती हैं, तो क्या होते हैं हमारे पास, प्रोड्यूस क्या होती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है हमारे पास, केमिकल एनर्जी है, जो फूड्स और उस तरह के सब्सटेंस से हमें हासिल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन सच दैट फिजन एंड फ्यूजन। एनर्जी रिलीज, ऐसी एनर्जी जो किस सूरत में हमें मिलती है, न्यूक्लियर रिएक्शन की सूरत में, सच एज फ्यूजन एंड फ्यूजन के जो रिएक्शन होते हैं हमारे पास, वो क्या है, उन वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो क्या हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, जो लाखों अरबों साल से सूरज हमें क्या कर रहा है, रोशनी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो क्या है, किस वजह से हमें मिलती है, वो इस वजह से मिलती है कि वहां पर जो रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनकी वजह से हमें क्या होती है, हीट और रोशनी मिलते हैं। तो ये क्या थी हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट एनर्जी। लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक बहुत अहम फॉर्म है किस चीज़ की, एनर्जी की। जैसा कि लाइट, हम कहते हैं कि सूरज से लाइट आ रही है, या लाइट और भी कई चीज़ों के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस तरह अगर प्लांट्स है, पौधे हैं, कुछ भी है, तो ये क्या है, जो हमारे पास फ्रूट्स पैदा होते हैं, वो किस चीज़ से होता है, जब उन्हें उनकी एक मकदार के मुताबिक लाइट और क्या मिलती है, मॉइस्चर, जो उनका मौसम होता है, या उनके जो हिसाब से हमें पानी मिलता है, या रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, नमी होती है, सारा कुछ क्या है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये क्या थी हमारे लिए, सबसे अहम चीज थी, क्योंकि ये खुराक के लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज द वाइडली फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी की एक बहुत बड़ी किस्म है, सप्लाइड थ्रू वायर्स। ये क्या होती है, हम वायर से भी इसे सप्लाई कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि हमारे पास होता है वायर्स में करंट के जरिए क्या करते हैं, घरों तक बिजली लाते हैं। तो ये क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है। वी गेट इट फ्रॉम बॉडीज एंड जनरेटर, बैटरीज एंड जनरेटर्स। तो क्या करते हैं, हम इसे बैटरीज और जनरेटर्स से भी ले सकते हैं, जैसा कि यूपीएस की बैटरीज होती हैं। तो ये क्या होती है, जब बिजली होती है तो ये स्टोर करते हैं अपने अंदर बिजली को, जब बिजली नहीं होती, ये क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की एग्जाम्पल है जनरेटर्स में भी। जनरेटर्स में क्या करते हैं, हम पेट्रोल वगैरह के जरिए उसे क्या करते हैं, बिजली प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, आज का लेक्चर था एनर्जी और उसकी काइंड्स। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।